नमस्ते छात्रों, आज अपने को प्रश्नावली 3.4 का अध्ययन करना है। 3.4 के अंदर क्या है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न के सार्वगुणनखंड याद कीजिए। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें सार्वगुणनखंड याद करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखा, फर्स्ट का फर्स्ट 20 और 28 के सार्वगुणनखंड याद करने, 20 और 28 के सार्वगुणनखंड याद करने। तो पहले अपन लिखेंगे 20 के गुणनखंड। क्या लिखेंगे? 20 के गुणनखंड, यानी 20 में किन किन संख्याओं का भाग रहता है। तो एक तो सभी संख्याएं डिवाइड होती है एक से, तो एक तो ही है। फिर उसके बाद दो का भाग जाता है 20 में, तो दो के मतलब दो 20 का गुणनखंड है। तीन का भाग जाता है नहीं जाता है। चार का भाग जाएगा तो चार गुणनखंड हो गया। पाँच का भाग जाता है तो पाँच है। छः का नहीं जाता, सात का नहीं जाता, आठ का नहीं जाता, दस का जाता है और सीधा 20 का जाता है। यानी 20 के गुणनखंड क्या हो गए, 1, 2, 4, 5, 10 और 20। ऐसे ही 28 के गुणनखंड लिखेंगे अपन। ये 28 के गुणनखंड, यानी एक का भाग जाता है 28 में, दो का भाग जाता है, चार का भाग जाता है, चार के बाद सात का जाता है, सात चौक 28, सात के बाद 14 का जाता है भाग इसमें 28 में, और सीधा 28 का भाग जाता है। अब 20 और सार्वगुणनखंड का मतलब होता है 20 व 28 के सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड का मतलब ये होता है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। एक तो एक है, दूसरा दो है, तीसरा चार है। यानी इसका सार्वगुणनखंड निकाला क्या है अपने पास, 1, 2, 4। पहले गुणनखंड निकालने हैं, फिर उसके बाद जो दोनों भी चीजों में कॉमन हो वो देखना। कॉमन का मतलब इसमें भी और इसमें भी हो। इसका देखा तो 1, 2, 4 आए, तो ये इसके सार्वगुणनखंड है। इसी प्रकार दूसरे का दूसरा देखते अपन। पहले के सारे क्वेश्चन ऐसे ही सार्वगुणनखंड वाला, दूसरा भी सार्वगुणनखंड वाला ही, पर तीन अंक दे रखे उसमें, तो वो देख लेते अपन। दूसरे का दूसरा वो देखा 5, 15 और 25। इसके सारे गुणनखंड याद करने हैं। तो पहले लिखेंगे 5 के गुणनखंड। यानी 5 के गुणनखंड क्या होते हैं? सबसे पहले 5 में 1 का भाग जाता है, 2 का, 3 का, 4 का नहीं जाता, सीधा 5 का जाता है। फिर 15 के गुणनखंड लिखेंगे अपन। 15 किन किन से डिवाइड होता है? 15 1 से डिवाइड होता है, 2 का भाग नहीं जाता, 3 का जाता है, 5 का जाता है, सीधा और 15 का जाता है। उसके बाद 25 के गुणनखंड लिखेंगे अपन। 25 में 1 का भाग जाता है, 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 5 का जाता है सीधे, और उसके बाद 25 का जाता है। तो 5, 15 और 25 के सार्वगुणनखंड जो इसमें भी और इसमें भी, एक तो एक है और एक क्या है, 5 है। 5, 15 और 25 का सार्वगुणनखंड क्या होता है, 1 और 5। इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा, 1 और 5 होगा। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन दे रखा है, 100 से सभी ऐसी संख्याएं याद कीजिए, 100 मतलब 100 से छोटी संख्याएं देखनी है, 3 और 4 के सार्वगुणन हो, 3 और 4 के जो सार्वगुणज हो। क्वेश्चन नंबर 4, 100 से छोटी संख्या और 3 और 4 का अपने को सार्वगुणज चाहिए। 100 से छोटी है, 3 × 4 = 12 होता है। यानी ऐसा अपन ये देख सकते हैं 3 और 4 का जो सार्वगुणज होगा, यानी 12 की टेबल देख लो और छोटी हो 100 से, तो अपन लिखेंगे 100 से छोटी संख्या 3 व 4 के सार्वगुणनखंड। तो सबसे पहले क्या आएगी, 12। तो 3 के पावर में अब भी आते 4, फिर 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96।
ये तीन व चार के सारे गुणज है और सब जो सौ से छोटे हैं। फिर आगे वाली संख्या लिखोगे तो उसके बाद 108 आएगी। 108 तो क्या सौ से ज्यादा हो जाएगी, तो अपने को तीन और चार के गुणज ही लिखने थे। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसका तीन देखना है। क्वेश्चन नंबर तीन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर तीन में लिखा है प्रथम तीन सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। प्रथम तीन सार्वगुणज ज्ञात करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 6 व 8 के, 6 और 8 के प्रथम तीन सार्वगुणज ज्ञात करने हैं। तो 6 के गुणज, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा लिखना, तो अपने को तो 6 × 1 = 6 = 12 = 18 = 24 6 को 5 से गुणा करते 30 6 को 6 से गुणा करते 36 6 को 7 से गुणा करते 42 6 को 8 से गुणा करते तो 48 6 को 9 से गुणा करते तो 54 और 6 को 10 से गुणा करते तो कितना आता है 60। ऐसे ही 8 के गुणज लिखेंगे, 8 के गुणज 8 × 1 = 8 8 × 2 = 16 8 × 3 = 24 8 × 4 = 32 8 × 5 = 40 8 × 6 = 48 8 × 7 = 56 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 8 को 9 से गुणा करेंगे 72 और 8 को 10 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 80 आ जाएगा। फिर इसको 6 को और आगे तक लिखते तो 11 = 66 6 को 12 से गुणा करते तो 72। अब देखते हैं सार्वगुणज चाहिए जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। यहाँ लिखते हैं 6 व 8 का सार्वगुणज। सार्वगुणज सबसे पहला सार्वगुणज देखो, इधर 24 आ रहे हैं, इस टेबल में भी 24 आते हैं, तो पहला सार्वगुणज क्या है 24 है। 24 के बाद आगे देखते जाते इधर 48 आते हैं और इधर भी क्या जाएंगे 48 आ जाएंगे। दूसरा सार्वगुणज 48 है, 48 के बाद इधर 72 है और इधर भी 72 है। सार्वगुणज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इस टेबल को लिखते हैं, यानी 6 की टेबल लिखो, यानी जहाँ आगे अपने को 3 निकालना है मैंने 12 बार लिखी, क्योंकि 12 बार नहीं लिखा, 10 बार लिखता तो अपने आंसर नहीं मिलता, इसीलिए मैंने 12 बार लिखी और 8 की टेबल 10 बार लिखी। प्रथम गुणज देखा 24 आया, दूसरा देखा 48 आया और तीसरा देखा तो 72 आया। निम्नलिखित में से कौन सी, पांचों क्वेश्चन देखते हैं इसका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो सह अभाज्य संख्या है। पांच का ए वाला भाग देखते हैं, 18 और 35 में सह अभाज्य संख्याएं बतानी है, 18 और 35 की सह अभाज्य संख्याएं बतानी है। वैसे देखा जा रहा है तो 18 कौन कौन सी संख्याओं से मतलब सह अभाज्य संख्या है, यानी जो इसमें भी हो इसमें भी हो। जैसे 18 के अपन देखते हैं डिवाइडेशन तो 1 आता है 2 आता है 3 आता है 3 के बाद आगे वाली संख्या देखते हैं, पर अपने को अभाज्य संख्या ही देखनी है। फिर जैसे 6 आता है 6 के बाद 9 आता है 9 के बाद 18 आता है फिर ऐसे 35 का देखेंगे, 35 में 1 आता है 1 के बाद इसका डिवाइडेशन देखेंगे 5 आता है 5 के बाद 7 आता है 7 के बाद सीधा 35 आता है। तो देखो अब इस वाली संख्या में सह अभाज्य संख्या देखनी, यानी कौन सी संख्या अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य यानी 2 3 5 7 9 2 3
पाँच सात ग्यारह तेरह पंद्रह एन ऐसी संख्याएं हो जिसमें दो तीन पाँच सात नौ ऐसे हो, इन दोनों में एक साथ होना चाहिए। तो 18 और 35 की सहभाजी संख्या ऐसे देखा जाए तो एक है और कोई संख्या नहीं है। तो इस प्रकार इसके क्वेश्चन अपने को देख रहे थे। एक इसका क्वेश्चन देखो सातवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सात, एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्या है जिससे यह संख्या विभाज्य होगी। देखो 12 से विभाज्य कोई संख्या, यानी एक संख्या 12 से विभाज्य है तो यह संख्या और कौन सी संख्या से विभाज्य होगी। यानी 12 से विभाज्य है तो 3 और 4 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी? 3 और 4 से विभाज्य होगी। जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, जैसे 48 लेता हूँ तो 48 से देखो अपन 3 का भाग देंगे, देखो 1 और यहाँ 6 यानी 16 भाग जाता है। ऐसे ही संख्या 48 में अपन 4 का भाग देंगे देखते हैं तो 12 उत्तर आता है। ऐसे कोई सी भी संख्या देखो जो 12 से विभाज्य है और 3 और इससे विभाज्य होती कि नहीं होती। 3 से विभाज्य 3 और 2 और 96 में 4 का भाग देंगे तो 2 और 4 24 बार देगा। यानी जो संख्या 12 से विभाज्य है वह 3 और 4 से विभाज्य होगी। यानी 12 से कोई संख्या 12 से विभाज्य होने पर 3 और 4 से विभाजित होगी। इस प्रकार जो ये प्रश्नावली अपनी 3.4 है इसके सारे क्वेश्चन अपने समाप्त हो जाते हैं। बाकी जो इसकी जो प्रश्नावली है नेक्स्ट 3.5 उसका आप जो अपन अध्ययन है नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास के लिए बच्चों थैंक यू।